हम आगे बढ़े नीता जी। यस ओके तो फ्रेंड्स, मैं रागिनी सेल्वराज हैदराबाद से। तो जीवन मतलब हम क्या सोचते हैं, शादी होके अच्छा सा घर में हम चले जाएं, बच्चे हो जाएं, ओके कंफर्टेबली फाइनेंशियली सेटल हो। तो हम अक्सर जीवन को लाइफ मतलब इसी के फ्रेम में हम आ जाते हैं। अगर वो हमारे जीवन में नहीं चल रही है तो हम बहुत ही उथल पुथल होकर हम कंफ्यूज होते हैं कि वी आर नॉट सही नहीं है बोलकर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वैसा ही मेरे जीवन में बचपन बहुत ही अद्भुत रूप से गुजरी है। तो कहीं सारे कारणों की वजह से मेरी जीवन फोर्सली मेरी मैरिज हुई है। इसका पूरा डिटेल में आप मेरी आत्मा की यात्रा में सुनेंगे फ्रेंड्स, तो मैं शॉर्ट में आज बताऊंगी। तो 2 महीने में मेरी शादी एंड हो गए हैं और साथ साथ में उस 2 महीने में भी मुझे जो नेचुरली नॉर्मली जो प्यार मिलते हैं एक मैन एंड वुमन आए तो वो भी मुझे नहीं मिली है। तो इससे पहले की कहानी मैं अपनी बता रही हूँ। कोई भी बात को हम गहराई से डीप नहीं लेना मेरे जीवन का यही एक है। जैसे कि तिकना ठा कहते हैं, योर लाइफ शुड बी ए मैसेज। तो मैं जाकर अपना देखती हूँ तो हाँ, मेरी लाइफ इज अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर ऑल द वुमन। अभी हम एम्पावरिंग ऑफ द वुमन की मायना हमारी चल रही है। तो हम सब जो भी हम फ्रेंड्स है, पूरा वुमन है, अगर हम एक दूसरे को समझते हुए सपोर्ट करते हुए अगर हम आगे बढ़ जाए तो इतना पावरफुल हम बन जाएंगे फ्रेंड्स, अपने आप इस धरती में हीलिंग हो जाए। तो मेरे जीवन में मुझे कभी प्रेम नहीं मिला, मतलब एक मैन एंड वुमन का प्रेम, मगर मेरी पेरेंट्स से, मेरी सिस्टर से, मेरे दोस्तों से ज्यादा नहीं, मेरी फैमिली से मुझे बहुत ही बरसाता हुआ प्रेम मुझे मिली है भरपूर। और टीवी मूवीज ये सब नहीं देखती थी, हमारी माँ अलाउ नहीं करती थी, तो बाहर की दुनिया का ज्ञान मुझे नहीं था। थोड़ा बहुत राधा कृष्णा का इतना ही मुझे पता था। तो राधा कृष्णा का प्रेम जानकर बाप रे प्यार हो तो ऐसा, मैं बस उतना समझदारी थी। तो एक इंसिडेंट में बताती हूँ, मेरी इंटर कंप्लीट होने के बाद डिग्री के समय, इंटर सेकेंड ईयर के समय में मेरी फ्रेंड एक मुझे मेरे घर आए हैं, प्लीज मेरे साथ आओ बोलकर बोली। तो हमारी माँ से परमिशन लेकर हम उनके साथ गए। तो बोली है कि देखो मैं किसी से मैं प्यार कर रही हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। और इतना रोई कि मैं उनके बगैर नहीं जी सकती, मैं मर जाती हूँ उनके बगैर। तो मैं तो उनके साथ रोने पड़ी, वाह क्या बात है, इसको तो प्रेम मिल गए हैं। तो फिर उनका जिससे वो प्रेम करती है उसके घर ले गए। तो उनको देखते ही वो पूरा ऐसा हक कर लिया, अरे बाप रे ऐसा सच में लव होती है क्या, दे आर सो लकी, इतना प्रेम इन लोगों को मिल गए। तो हम शादी कर ले रहे हैं, आज शाम को हम शादी कर रहे हैं, 3 बजे को मंदिर में हमारी शादी है, तुम मेरे साथ रहना है। मैं तो इतना मतलब मेरी माँ को बोले बगैर कुछ भी काम नहीं करती, बाहर की दुनिया पता नहीं, मगर प्रेम बोलते ही इतना वो डायरी आ गई कि हाँ हाँ मैं रहूंगी, तुम कर लो मैं रहूंगी बोलकर मैं उनके साथ थी। कितना एज वो जमाने में देखिए, 16-17 ईयर्स की एज में आज के बच्चों का जितना होता हमको नहीं रहती है। और जिस तरह से मैं पाला गई हूँ तो उतना बिल्कुल ही नहीं थी। तो शाम को 3 बजे 2 बजे के वो आदमी निकल गया, निकल कर अभी 3 बजे के लिए वो तैयारी हो रही है। तो 3 बज गया, 4 बज गए, वो नहीं आ रहा है। तो बोली क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रहा है, बोले तो फिर ये फिर इनके साथ हम क्या करें हैं? उनके घर से बाहर आए हैं, कॉलोनी के मेन रोड तक आए हैं। तो मेन रोड तक आए तो मैं देख रही हूँ वो लड़का एक टेलीफोन बूथ से निकला है और मेरे सामने ही बस चढ़कर वो चले गए, कोई डिस्ट्रिक्ट बस को चढ़कर चले गया। मैं बोली देखो देखो वो जा रहे हैं। तो अरे क्यों जा रहे हैं बोल के सोची, तभी क्या हुआ, एक ऑटो आई है। वो ऑटो आई तो उनकी माँ, उनका भाई बहन, वो लोग पूरा उस ऑटो में थे। 2-3 ऐसे ऑटोज आए हैं, ए बोलकर उसको बुलाए हैं और उसको खींच के उसके ऑटो में डाली है। और मुझे बहुत सारे गाली दिए थे, बेशरम लड़की बोलकर मुझे गाली दी है।
और फिर वो अपने आप वो चले गए, उनके साथ चले गए। तो इन दो लोगों का प्रेम इनकम्प्लीट हो गए, ये लोग शादी नहीं करे बोलकर, शादी फ्लॉप हुआ बोलकर मैं वहीं कोलैप्स हो गए। तो वहां पर सामने जो इनके ही फ्रेंड्स थे वो लोग पूरा आए हैं मुझे फिर जूस पिलाकर। वो लोग ऐसे ही सोचे हैं उनका ट्रू लव नहीं है, तो उसलिए हम उनके माँ को कॉल करे, वो लोग आके लेके गए वो प्रॉपर्टी के लिए, ये शादी कर रहे क्या क्या की बोले मुझे याद नहीं है। तो उनके लिए इतना रोए। तो ये है फ्रेंड्स मेरी प्यार की, उन लोगों का मैरिज की एक्सपीरियंस। फिर बाद में 6 महीने के बाद जब मैं उनको देखती हूँ किसी और के साथ अफेयर थी, और फिर बाद में 2 ईयर्स के बाद देखती हूँ तो मुझे शादी कार्ड देनी है, किसी और से शादी करी है। तो इस अनुभव देखने के बाद हम क्या होते हैं, करप्ट हो जाते हैं। तो लकीली इन सब चीजें इस तरह का कहीं देखने के बाद भी मेरे भीतर लव गलत है, इट इज वेस्ट, इट इज नॉट नथिंग, कभी वो फील नहीं आई फ्रेंड्स। मेरी 19 ईयर्स आने के बाद मेरी शादी मेरे पेरेंट्स के माध्यम से फिक्स हुई थी। बहुत ही हैंडसम लड़का था और फर्स्ट टाइम मैं कोई मेल को देखी हूँ इस तरह का, इनसे मेरी शादी होने वाली है। और मैं बहुत ही शाई तरफ की लड़की थी। तो वो लड़का वो MSc कर रहा था तो हमारे हैदराबाद को आए थे। आकर फिर बात करते मेरी मेरी फ्रेंड को बुला ली, मेरी फ्रेंड को बीच में कम्युनिकेट करने के लिए लगाए थे, तुम बात करो, तुम उनको क्या पसंद है पूछो, मैं खाना बनाऊंगी। मैं बहुत ही खाना बनाने में बहुत ही स्पेशलिस्ट, कोई भी ब्रेकफास्ट कोई भी लंच रिपीट नहीं करती थी, उतना वैरायटीज मुझे आती थी। तो मैं किचन में खाना पकाने में बिजी, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाने में। बहुत ही सुंदर थी, मोटा लंबा सा बाल और ब्यूटीफुल पूरा। तो उन दोनों को बिठा कर मैं वहां थी, इन लोग बेडरूम में, इन लोगों का फ्रेंडशिप हो गया और उन लोगों का लव अफेयर चला। वो मेरी बहन देखी है, और नहीं ऐसा नहीं बोलना मेरी फ्रेंड को, ऐसा बोलकर मैंने कह दिया, क्योंकि वो एज में क्या रहती है, हमारी फ्रेंड्स बोले तो बाप रे उसके लिए हम कड़े हो जाते हैं। आ फ्रेंड्स बोल। तो मैं किचन में पकाते सड़न में मैं बेड में देखी, तो वो लोग एक अनकॉम्प्रोमाइज्ड एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में मैं उनको देखी। तो कोई इस तरह का एक दूसरे को चीट कर सकता है मुझे पता ही नहीं था। बस मैं कोलैप्स हो गई और मेरी बहन लोग पूरा फिर आजू बाजू को बुलाकर हॉस्पिटल को ले गए, क्योंकि हमारी मम्मी अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, तो मम्मी वॉज नॉट देयर। मेरी हार्ट बीट 36 और मेरी BPO जो भी कहते हैं वो भी 36-35 में ऑलमोस्ट कोलैप्स अनकॉन्शियस स्टेट में थी, इतनी सेंसिटिव। और मेरे सामने इस तरह का जीव मेरे इंसिडेंट लाइफ में होने के बाद भी कभी ये नहीं सोची कि लव गलत है। लोग गलत इसको डील करते हैं, लोग गलत समझते हैं, कभी लव गलत नहीं हो सकती है। उसके बाद मेरे जीवन में वो हादसा हुआ है, फिर वो कंप्लीट हो गए हैं, मेरे जीवन में मेरी बेटी आई है, और एक कायोस कंफ्यूजन जो भी थी वो पूरा मेरी बेटी से मेरे मुझे प्यार भरपूर मिला है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि एक मर्द से ही हमको प्रेम मिलती है तो हम कंप्लीट होते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हम ऑलरेडी अपनी माँ से जो प्रेम है हम पूर्ण होके ही रहते हैं, बाहर की चीजों का हम कचरा डाल लेते हैं तो हम अधूरा सोचकर हम बाहर ढूंढते हैं। जब माँ की गोद में हम रहते हैं भरपूर प्यार हमको मिल जाती है, हमारा जो इनर कनेक्शन वो प्लग रहती है, बाहर का पूरा लेने की वजह से ये प्लग इन से हम प्लग आउट हो जाते हैं, तभी तो ये अधूरापन हमारे भीतर आते हैं, बाहर ढूंढते हैं। और मेरी बेटी आकर मुझे और भी पूर्ण करी है, तो मैं वही सोचती कि लव इज ब्यूटिफुल यही है। फिर स्पिरिचुअल पाथ में आई मैं। फ्रेंड्स आज बहुत ही इंटीमेट बातें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम सब अडल्ट हैं और कर्मा का सीरीज, कहीं सारे योर सोल्स का इनफिडेलिटी, ये सब अपने बातें पूरा ज्ञान ले लिए हैं। तो ये सब ज्ञान जो मैंने अनुभव पूर्वक काउंसलिंग में मैंने देखा आपके साथ में शेयर करी हूँ। तो मैं पार्था गुप्ता के साथ मैंने प्रोफेशनल हीलर्स प्रोग्राम, काउंसलिंग प्रोग्राम, अपने PSSM में भी काउंसलिंग का काउंसलर का ट्रेनर बनी हूँ, बहुत सारी साधना करी हूँ। तो फर्स्ट मुझे भीतर से आई कि मैं रिलेशनशिप का काउंसलर बनूंगी, क्योंकि मुझे
ये रिलेशनशिप के प्रति इतना मेरा भीतर ये सब होने के बाद भी इस रिलेशनशिप में कुछ है, देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल इन दिस, वो मुझे ट्रस्ट दी। और मैं सोचती थी वाइफ एंड हस्बैंड इतना इतना अच्छा सज धज के बाहर निकलते हैं और मैचिंग मैचिंग ड्रेसेस पहनते हैं और मैचिंग मैचिंग पूरा लव में बातें करते रहे, तो कितना ही ब्यूटीफुल इनका रिलेशन है, जैसे हम ओल्ड सिनेमास में देखते हैं, आंखों में वही सोचती थी मैं। अब काउंसलिंग के लिए मैं बैठ गए तो एक एक वुमेन का साथ में बैठती, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, वुमेन्स हार्ट इज द ओशन ऑफ सीक्रेट्स। कितनी ही उनके गहराई से सीक्रेट्स को मैंने जाना, मेरे हृदय तो बस विस्फोट हो गए। ये क्या हो रही है, मैंने क्या सोच के रखा है, ये मैरिड लाइफ, ये मेल फीमेल जो वाइफ एंड हस्बैंड का जो रिलेशन, सब खोखला है। और क्यों ऐसा हो रही है, मतलब यू आर नॉट ट्रस्टिंग यू, हमारे भीतर ही हम खोखला है, तभी तो हमारी बात बाहर इस तरह की खोखलापन आ रही है। हम अनकॉन्शियसली लिव कर रहे हैं, जी रहे हैं, तभी तो बाहर पूरा अनकॉन्शियस हो रही है। तो इस तरह का काउंसलिंग करते हुए कहीं सारे हर एक औरत के भीतर वो सीक्रेट्स किस तरह से वो फोर्सली दबा कर मैनिपुलेट कर कर इस तरह का पूरा हुआ है, तो एक बात समझ में आई है कि साथ में रहते हुए एक दूसरे को बोर हो जाते हैं और बाहर दौड़ना शुरू करते हैं। तो मेरी समझ में ये आई फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह का रूटीन में रहते हैं तो ऐसा ही होता है। यू शुड नॉट, अगर हम किसी और के पास जा रहे हैं तो वो भी बोर हो जाएगा, फिर और 10 जगह पे जाएंगे, फिर वापस जब अपना एज 45-50 हो जाएगा, ये दोनों बंद होकर वापस इसी घर में इसी के साथ रहना होगा, या पति हो पत्नी हो, मगर तब तक हम कोकला बन चुके होंगे। वी विल नॉट एनी जूसेस इनसाइड टू रिस्पॉन्ड विद ईच अदर। तो हम ए आउटवर्ड तो जाने के बदले में हम अपना इनवर्ड में हम अपना इनर कनेक्शन बनकर रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी रिलेशंस इंटेंस होते हैं। एक्टिव रहना है, फिजिकली मेंटली एक्टिव रहना है, ये मैंने जाना। और मेरे काउंसलिंग का, मैंने इतने काउंसलिंग किया है फ्रेंड्स, ये एक मास्टर तो एक 40 मतलब वो 60 इयर्स की लेडी थी और उन दोनों में अनबन थी कि उसने कभी किसी के साथ गया है और ऐसा कुछ इन बातों को लेकर वो सब हुआ है। तो मेरी काउंसलिंग के बाद इतने सालों का सेपरेशन भी उन लोगों को मिलाकर रख दी है। तो क्या थी मेरी भीतर जो उन लोगों को मिला के रखी है, क्या है वो एनर्जी, क्योंकि आई ट्रस्ट, मेरे पे में मुझे वो रिलेशन नहीं मिला तो मतलब ये नहीं कि वो सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है, व्हेन यू ट्रस्ट समथिंग, व्हेन यू बिकम दैट पावरफुल एनर्जी, यू हैव द पावर टू हील अदर्स आल्सो। तो हम अपने दूसरों को छोड़ देंगे, मगर हम अपना पर्सनली हम इतना इंटेंस हो जाएंगे कि हम अपना रिलेशनशिप को हम पकड़ के रखे हैं। ये जो ब्लेम करते हैं पार्टनर्स को, मैं हमारी फैमिली की, मेरी थ्री वुमेन की बात ही कर रही, तो उन तीन वुमेन को मैं याद करना चाहती हूँ। मेरी नानी माँ पार्टी जो मेरी फादर की मदर है, बहुत ही जल्दी उनके लाइफ में बस 16 ईयर्स में शादी हो गए, 4 बच्चे हो गए, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स में ही उनका हस्बैंड चले गए, हमारी दादाजी। इतना रिच हो, उस समय में ही 4 गाड़ी बाहर रहते थे, रेलवेज ब्रिटिश रेलवेज में काम करते थे, एक हाई पोजीशन में। तो हर कोई आकर पूरा रिलेशन रिश्तेदार पूरा गोल्ड वो पूरा ऐसे भर कर ही रहते, पे करते रहते थे, करते पूरा उसका सफाई हो गया, पूरा घर खाली हो गया, वो कुछ भी नहीं बोली, कभी ब्लेम नहीं करी, मेरे हस्बैंड ऐसा है, ये लोग ऐसे करे, बिंदास, हमेशा साइलेंट वाइब्रेंट, एक कॉलेज लड़की के जैसा खुशी से आनंद से सेलिब्रेट करते रहती थी मेरी नानी माँ, शी नेवर कंप्लेंट। और मेरी दादी माँ, मेरी माँ की माँ, हमारे ग्रैंडफादर हमेशा टूर्स में जाते थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे, तो फॉरेस्ट में इधर उधर 1 महीना 2 महीना, उनके 8 बच्चे थे, उन बच्चों को मेरी दादी माँ को हर काम आती है, सीमेंटिंग प्लास्टरिंग पेड़ों को लगाना, घर को सजा, खाना पकाना, 10-100 लोग आके तो भी खाना बना के देना, सीने का काम, सब कुछ कंप्लीट वुमन है वो, हिंदी की भी पंडित थी वो समय में,
क्योंकि यहाँ हैदराबाद में रजाकर टाइम था तो हिंदी भी सीख ली। और रजाकर ऐसा करते थे करते कि कोई भी ब्यूटीफुल वुमेन, ब्यूटीफुल नहीं वुमेन मिल गए तो उनको खींच कर रेप करके फिर रोड के ऊपर ऐसा फेंक के चले जाते थे कर। उस तरह का सिचुएशंस में वो लोग पैदा हुए हैं और पढ़ाई लिखाई करे हैं और इतनी ब्यूटीफुल स्ट्रांग वुमेन है, कुछ भी हो जाए कितनी भी हिलती नहीं, कभी किसी के ऊपर कंप्लेंट करती नहीं, अपनी लाइफ को इतना ब्यूटीफुली बैलेंस करी है। तो हमें अभी ये इनर चाइल्ड है, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग वो ये बोल रहे हैं ये बेकार की बकवास है, बस अपने जीवन को जैसा है हम एक्सेप्ट करते हुए, हम चीजों को बैलेंस करते हुए हम ले जाना है। हमारे पूरे बड़े जो दादा दादी इसी तरह यहाँ तक लाए हैं, अभी इस समय में हम ये लाए हैं, तो बस ओनली थिंग इज यू नीड टू एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज। एक गरीब औरत रहती है, जितना भी खाना है मिलाकर अपनी चार बच्चों को देती है और खुशी से वो लोग जाके खेलते हैं, फिर बड़े होकर जितना भी पैसा है वो पड़े होकर होते हैं। कुछ इनर चाइल्ड का उन लोगों के भीतर नहीं रहती है, सब कुछ भरपूट भरपेट खाना खाकर सब कुछ लग्जरी रहने के बाद, वो समय में मेरे माँ बाप लड़े हैं तो मेरी इनर चाइल्ड में ब्लॉक हो गए हैं। ये सब क्या है, हम वॉन्टेडली अनवॉन्टेडली ब्लॉक्स डालकर, कचरा को और डालकर हम अपने आप को फंसा कर आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक न्यू विजडम में दे रही हूँ, बस अभी तक वो सब हमने जाना वो भी है, और एक नजरिया भी मैं दे रही हूँ। पति कुछ भी कर रहा है तो नॉर्मली मेरी मम्मी और मेरी डैडी, मेरी माँ बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन है, मेरी फादर वो उतना बन टन के वो नहीं है, वो बच्चों को प्रेम करना आता है, मेरी माँ को प्रेम करना नहीं आता है। वो इतना ब्यूटीफुल रेडी होती तो पता ना उसको क्या होता था, बहुत मारते थे गालियां, बहुत कुछ होते थे उन लोगों में, फिर भी जब हम तैयार होते हैं तो फिर अपने आप को फिर मुंह धो लेती हैं, फिर अच्छा पटपट रेडी होकर फिर हमको तैयार होकर ले जाती हैं। फिर सैटरडे आ गए तो सैटरडे शाम को हम म्यूजिक लगाते थे और कुछ स्पेशल्स बनते थे, और शाम को पूरा हम मिलकर फैमिली पूरा मिलकर डांस करते थे, हमारी मम्मी हमारी डैडी हम 3 बहनें। तो कहाँ पता चले ये मार पिटाई, मतलब इट इज अ नॉर्मल थिंग, ये जैसे फ्रेंड्स में हम लड़ाई कर लेते हैं, सिस्टर्स में लड़ाई हो जाते हैं फिर मिल जाते हैं, बस इतनी सी बात है। फिर थोड़े लोग बैठकर मेरी मम्मी पापा लड़ते थे तो मेरे भीतर ब्लॉक है। तो अभी हमको ये सब से डिटैंगल होना है फ्रेंड्स, कहीं बड़ा मकसद लक्ष्य अपने जीवन के लिए है, इस तरह का जीवन की सहज स्थिति जो होती रहती है उसको लेकर पकड़कर ये ब्लॉक सही ब्लीक सही नहीं रहना है। यही मेरी जीवन का अनुभव से मैंने जाना है, मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस से जाना है। व्हाट नेक्स्ट, मेरे जीवन ऐसा हो गए हैं तो मेरी मेरी पेरेंट्स लाए हैं शादी करने के लिए, पहले इंसिडेंट की वजह से मैं शादी नहीं करते बोली तो मुझे छोड़ दी, फिर ये इंसिडेंट फोर्सली हुआ है, फिर ये होने के बाद वो लोग मुझे टच भी नहीं करे, फिर मेरे रिलेटिव्स एक प्रपोजल लाए ये नहीं करती बोल के मुझे छोड़ दी वो लोग, कि मुझे कभी वो लोग डिस्टर्ब नहीं करे कि ओके नाउ यू जस्ट गो विद द फ्लो। तो एक फ्रूट जो है, फ्रूट एक कॉस्टली फ्रूट हमको लाते हैं तो 500 रुपीज का फ्रूट ही समझिए, तो अगर यहाँ पर उसको कुछ मार लगा तो अरे 500 लेकर हम लाए हैं बोलकर हम क्या करते हैं उसको कट करके हम यूज करते हैं, और भी थोड़ा लिटिल ज्यादा गाँव आ गए तो उसको भी हम कट करके यूज करते, बिकॉज वी हैव स्पेंड 500। अगर बनानास 50 रुपीज डजन में 12 आते हैं तो हम उसको तो फेंकते हैं, मगर एक ही फ्रूट 500 है तो वी विल वैल्यू द फ्रूट, अगर आधा से ज्यादा वो फ्रूट खराब हो गए तो हम फेंक देते हैं। मेरा ये जीवन ऐसा इनकम्प्लीट था तो मैं क्या करी, अपने आप को फेंकी नहीं, आई जस्ट थ्रोन माई सेल्फ इन टू द मट, और उसी मट में गई है और एक बड़ा सा पेड़ बनी है, और ये इस तरह का बनने का मुझे ये मौका मिला है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में। मैं ढूंढ रही थी मैं क्या करूं, बचपन से मैं कहीं इस तरह का, मैं यही काम रहती थी सोशल वर्क ही रहती थी, अरे उसकी शादी नहीं हुई उसके घर में ये प्रॉब्लम है इसको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए ये ऐसा हो जाए, बस सबके लिए मैं विशेस ड्रीम्स करती रहती थी, मेरे लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं उसके लिए आई हूँ। अपने लिए ड्रीम करने के लोग तो कहीं रहते हैं तो दूसरों का ड्रीम्स, तो अभी जो यहाँ पर आई तो यहाँ मेरे कंक्लूजन हो रही है, जब इंडिविजुअल के लिए ढूंढते रहते हैं तो अधूरापन हमेशा रहती है, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, आई एम गिविंग यू यू गिव मी, आई गिव यू दिस यू ऑल्सो गिव मी, आई डू वॉट एवर आई वॉन्ट, शुड नॉट इंटरफियर,
ऐसा कैसे होती है? एक रिलेशनशिप इज अ कमिटमेंट, रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन को फॉलो करना ही है, नहीं तो आप फ्री हो जाओ रिलेशनशिप से, इंडिपेंडेंटली जियो तो कोई किसी को बंधनों में नहीं रहोगे। रिलेशनशिप में है तो इफ यू फॉलो द रूल्स ओनली इट विल बी अ ब्यूटिफुल। हमारी इतना तक ये जो भी अपना फैमिलीज को देखते हैं तो संपूर्ण हुए तभी तो हम जब अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे ही इस तरह का होती है फर्स्ट। और जब ये मुझे चाहिए देनो, मुझे दो, व्हाट आई एम गोइंग टू, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, को छोड़कर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जिस पल हम उस मोड में आ जाएंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या कर सकती हूँ, तभी अपना जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन बन जाती है। फर्स्ट इस इंडिविजुअल लव से, सेल्फिश लव से हम उस यूनिवर्सल लव में आ जाएंगे, इंक्लूसिवनेस में आ जाएंगे। अगर आप भरपूर है देने के लिए और भी देना चाहते हैं, देते रहेंगे, जैसा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इतने पूरा, इट इज ऑल ओवर, उसको क्या जरूरत है। इसी तरह आप भी उस यूनिवर्सल लव में आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। यू डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज यू हैव एनफ विद यू। हमारे पास नहीं है तभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मुझे भी कुछ वापस मिले, ये धंधे में हम बना दिया। तो फ्रेंड्स, विल ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ इनटू द यूनिवर्सल लव। हम सब एक हैं। मेरी फ्रेंड्स की शादी हो गए और दे वो लोग अच्छी तरह से जी रहे तो मैं इंजॉय करती हूँ, सेलिब्रेट करती हूँ, वाओ दे आर लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। इसीलिए मेरे भीतर कंप्लीशन है। मैं बाहर जाती हूँ तो कोई भी नहीं बोलते ये सिंगल वुमन है, ये अधूरा है, ये प्यार की अधूरी, किसी को भी, क्योंकि हम पहचान लेते हैं कोई भी प्यार रहित है उनका जीवन में तो पता चल जाती है। मैं तो और भरपूर होकर ऐसा फ्लो होते रहती हूँ। जब मैं ऑफिस में जाती थी वो लोग सोचते बाप रे रागिनी की हस्बैंड तो पता नहीं क्या है, कितनी लकी है, सोचते थे। वो ये सीक्रेट नहीं जानते कि दैट आई एम ओवरफ्लोइंग विद लव, देयर इज नो नीड फॉर मी। मुझे भी पता नहीं था वो समय में, बाद में पता चला। सो वी शुड स्टार्ट गिविंग फ्रेंड्स। छोटे छोटे चीजों को लेकर जब हम बांटना शुरू करेंगे, यू विल इंक्लूड एवरी वन। वेन यू एक्सपैंड योर सेल्फ, दिस लैक ऑफ, ये लव से हम अबव जाएंगे। लव को हमने करप्ट कर दिया गिव एंड टेक में, इसे अबव जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मैं कितनी ही इलीगल इलिसिट रिलेशनशिप को मैंने देखे है फ्रेंड्स। तो हस्बैंड उधर जा रहा है, हस्बैंड किसी और के साथ जा रहा है बोलकर, ये क्या कर रही है, उसको कोई बोला है करते तुम भी जाकर तुम एंजॉय करो, तो ये भी जाकर किसी और के साथ एंजॉय कर रही है। फिर और किसी को बोले, तो इस तरह का हम हर कोई एक दूसरे से अगर हम कर रहे हैं तो क्या होती है हमारी सोसाइटी। ये मैरिज इंस्टीट्यूशन बहुत ही पवित्र है, उससे भी ज्यादा हमारी गर्भ जो है, हमारी वूम्ब जो है, बहुत ही पवित्र है फ्रेंड्स। जो यूनिवर्स का, द मैक्रोकॉस्मोस का कॉस्मिक वूम्ब जो है, उसका ही रेप्लिका हम भीतर है। वी आर द माइक्रोकॉस्मोस ऑफ द माइक्रोकॉस्मोस, ब्रह्मांड पिंडांड। उस ब्रह्मांड का कॉस्मिक में हम सब वहां पर प्रकृति में हम सृजन हो रहे हैं, मतलब हमारे भीतर वही कॉस्मिक का रेप्लिका हमारी वूम्ब है जहां हम न्यू क्रिएशन देते हैं। अगर हम इस तरह लोगों से, तरह तरह लोगों से अगर हम मिलते रहते हैं, अगर एक औरत गई है एक आदमी के साथ जो 10 औरतों के साथ गया है, तो उस 10 लोगों का एनर्जी डीएनए एक्सचेंज हो जाती है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। डीएनए मतलब हमारी कर्मा, उस 10 औरतों का कर्मा लेकर इसके पास आता है, तो अपना कर्मा ही ठिकाना नहीं। यहाँ पर इतना सेशन, इतना तमाशा हो रही है, और उस 10 लोगों का, वो भी उस लो लेवल में जो अपनी ही कंट्रोल नहीं है फीलिंग्स का, वो भी किसका, मोलादार का, तो वो भी हमारे भीतर आ गए तो वर्म्स बन जाएंगे हम, एक पिशाच के जैसे बन जाएंगे। बस इस तरह का हम इलिसिट आउटर रिलेशनशिप्स में रहेंगे। तो इस सब को हमको अवॉइड करना है। कैसे? यू मस्ट नो द वर्थ ऑफ यू, द वर्थ ऑफ द वूम। चेस्टिटी जो होती है, वर्च्यू जो होती है, वो पावर होती है। जो भी वुमन एक चेस्ट होते हैं, चेस्ट मतलब एक पतिव्रता, एक नॉर्मल वर्ड है, चेस्टिटी मतलब
इस तरह का हम मतलब ऐसे नहीं कि हम फोर्सली हम पकड़ के रख रहे हैं, हम किसी के तरफ नहीं जा रहे, वो नहीं कि हम और हम उस तरफ वो हमारी ध्यास ही नहीं जाती है. यू आर टोटली सेंटर्ड विद योर सेल्फ. एक वुमेन एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो क्रिएशन करने की शक्ति रखती है, और एक मेल होते हैं उसको फिजिकल रियलिटी में लाने की शक्ति रहती है. और वो मेल और फीमेल जब साथ में आते हैं तो उनका क्रिएशन वो फैमिली को, सोसाइटी को, इस सृष्टि को आगे ले जाते हैं. उतनी पवित्रता में अगर वो लोग रहें, और किसी के जीवन में इस तरह का चेस्ट वुमन है, प्लीज इस चेस्ट वुमन का डेफिनेशन हिंदी में आप ढूंढ लीजिए फ्रेंड्स, हिंदी वर्ड में करेक्ट नहीं बोल पा रही हूँ, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. उस आदमी को कोई भी उसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे अगर उस तरह का औरत उनके जीवन में है. हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पति है. अगर हम किसी का बहन भी है वो चेस्ट लेकर, मेरा भाई बहुत ही अद्भुत रूप से इस तरह का वो सक्सेसफुल हो, इस तरह का आगे बढ़े, अगर वो सोचती है, नहीं सती सावित्री नहीं तो सोचती है, तो ऑटोमेटिकली उनका एक एक प्रोटेक्शन शील्ड आ जाती है. चेस्ट वुमन के भीतर इतनी पावर्स होती है. अगर हम इस तरह का पूरा सेक्सुअल एनर्जीज को डाइवर्ट करेंगे, कुछ भी हम नहीं रहेगा फ्रेंड्स, टूटा फूटा खोखला रहेंगे हम. यू विल लूज ओनली योर पावर्स. बट व्हेन यू आर चेस्ट विद योरसेल्फ, ब्रह्मचर्य है तो और भी अच्छी बात है, और भी पावरफुल है. बट अगर संसार में निर्वाण अपना है तो इफ यू आर लाइक दिस, दैट वुड बी ए पावर. यू कैन क्रिएट एनीथिंग विद दैट. फिर ऐसा नहीं है कि फिर पति को कभी गुस्सा किया, कभी हेट किया, ऐसा नहीं, कंप्लीट वनस में. यस, जब आप चेस्टसी के साथ रहेंगे, दैट इज द टूल पावर. इस सारी यूनिवर्स उस औरत के लिए बेंड हो जाती है, उसका टूल बन जाती है. ये भी मैंने अनुभव से मैंने जाना है. साध्वी भी हो सकती हैं, तो ये भी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इतनी काउंसलिंग्स में देखा है, मेरा दिल टूट गया है. तो अपनी पवित्रता को अगर हम जाने तो इस तरह का हम किसी के साथ हम नहीं जाएंगे, ये लोअर लेवल का सेटिस्फेक्शन पे नहीं भागेंगे. तो हम अपने भीतर किस तरह से हम अपने आप को हम इससे बाहर आए, ध्यान साधना करेंगे साथ साथ में. व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ इट, एनर्जी का क्या है जो भी है पूरा हम जानेंगे, एनर्जी का पूरा जो टेम्पलेट्स है हम जानेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. एंड डेफिनेटली जब आपको पता चल जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा, दिस नॉट फॉर मी, दोस थिंग्स विल गो अवे फ्रॉम यू. एनर्जी इज अ टूल, पावर है, वो शक्ति है जो देवी देवताओं का शक्ति ओम विम फट बोलते हैं, वही हमारी चेस्टिटी है वुमेन की. इस वूम का पावर को हम जानेंगे, इसको मास्टर करेंगे. एश्ले टोबियास का लिखा हुआ एक बुक है, नीताजी वो कौन सी बुक है, संगीता मैम भी उसके बारे में बताए हैं, इस बुक को भी पढ़िए फ्रेंड्स. मैं ऐसे ही हाँ हाँ यस ब्यूटिफुल बुक है, इसमें आपको कई सारे आएंगे. किसी एक के साथ अगर हमारी रिलेशन है तो 5 इयर्स तक उनका वर्म्स, उनकी एनर्जी वर्म्स हम कनेक्टेड रहेंगे और इन्फ्लुएंस होते रहेंगे. हम यहाँ पर साधना करते रहेंगे, कोई और अपना एनर्जी को डिप्लीट करते रहेंगे. सोच विचारों में भी ऐसा नहीं कि फिजिकली नहीं, सोच विचारों में भी हम इस तरह का इंटेंगलमेंट में नहीं रहना है. बुक का नाम मैं फिर से बोल दे रही हूँ, सॉर्सरर्स है. मैं उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, मेरे पास है पीडीएफ. यस, बहुत ब्यूटीफुल बुक है. और जो रागिनी जी बता रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्योरिटी के साथ हम तो रह रहे हैं, परंतु समझिए आप. यस ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना पावर को जानेंगे तो अपने आप, अभी तक हम कैसे भी हैं उससे कोई परवाह नहीं है. एवरी सेंट इज अ सिनर. तो अब से लेकर हम इसको ओन करेंगे, इसको एम्पावर करेंगे, इस एनर्जी को हम चेस्टाइज करेंगे, प्यूरिटाइज करेंगे अपने अपने आप को, और इस पावर को हम इस अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए यूज करेंगे, हमारी सोल एवोल्यूशन के लिए यूज करेंगे. व्हेन वी बिकम सो पावरफुल, ऑटोमेटिकली हम बैठेंगे, हमारी प्रेजेंस में लोग में उनका दुख चले जाएगा, परिवर्तन आ जाएगी फ्रेंड्स. दिस इज द पावर वी मस्ट ओन बीइंग अ वुमन.
हमारी वूम की इतनी पावर है। उस बुक में एक जगह पर एक फोटो भी के साथ है फ्रेंड्स की, वो इतना पावर, ऐसा एनर्जी, मतलब कॉस्मोस का एक सन का रेडियंस कितना होती है, उतने वहां से हमारी एनर्जी, हमारी क्रिएशन पूरा वहीं से होती है। आज मैं आपके साथ ये सीक्रेट में शेयर करने आई। वी डोंट नीड एनी अदर पार्टनर फ्रॉम आउटसाइड, वो है तो है, इट्स ओके, उसको हम अच्छी तरह से निभाएंगे। बट वेन यू ओन योर सेल्फ, जब अपने आप को, अपना पावर को जान लोगी, अपना क्रिएशन करते जाओगी, वेन यू मैग्निफाई योर सेल्फ, मैग्निफिशेंट लाइफ, महत्वपूर्ण जीवन जीना शुरू करोगी, अपने आप में रेडियंस आ जाएगी, अपने जीवन में मीनिंगफुल पावरफुल हो जाएगी जीवन। ये पता नहीं फ्रेंड्स, सडनली मुझे ऐसे ही मुझे किसी से बात करना हुआ आज, तो 50 इयर्स वुमेन के साथ भी इस तरह की थॉट्स है सर कहोरी, तो मुझे लगा है वी आर नॉट नोइंग, इस तरह की बातों में हम आ रहे हैं, कहीं एनर्जी सकस रहते, हमारे एनर्जी को सक कर लेते, तो हम अवॉइड करना है हमको इस सब चीजों से, हम अपने पावर को एम्पावर करना है और अपने लिए क्रिएट करना है व्हाट एवर वी वॉन्ट, सुंदर सपने जीवन को हमको जीना है। और इसके बारे में कुछ भी डाउट्स है तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपके साथ एक ब्यूटिफुल विजडम में शेयर कर रही हूँ, ये है इनर स्माइल। पता नहीं क्या इस मंच में ये सेशन हुआ कि नहीं, तो इसे हम कॉस्मिक इनर स्माइल कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अपने जीवन में कहीं सारे चीज ऑलरेडी गुजर चुके हैं, कहीं अपना ड्रामास अपने लाइफ में हुए हैं, अपने जीवन में नहीं हुआ तो भी हम दूसरों का जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो भी हम ग्रहण कर लेते हैं अनकॉन्शियसली। आप सोच रहे मेरे साथ नहीं हुआ तो आपके भीतर वो एनर्जी नहीं है, तो ऐसा नहीं। हम जब इस सारे चीजों को टीवी में, आसपास की लोगों में जितना इंटेंस होकर हम पूरा हाय रे हाय रे हाय रे इस तरह का पूरा अपने भीतर जा रही है, सो वी आर ऑल स्टोर्ड इनसाइड। ये पूरा क्या करती है हमें, जो हमारी सारे बॉडी, हमारी सारे ऑर्गन्स जो हैं, एनर्जी को कैरी करती हैं, इमोशंस को कैरी करती हैं। तो इमोशंस को कैरी करने वाला वो पूरा, ये जो भी हमने सोच विचार लेकर इंटेंस इमोशंस को लिखे हैं वो पूरा ऑर्गन्स में डंप्ड है, पूरा डंप यार्ड हो गए हैं, पूरा दुख है, दर्द है, हेट्रेड है, सेल्फिशनेस है, ये कनिंगनेस है, मैनिपुलेशन है, माइंड गेम्स है, क्रोध है, ऑल दीज आर बीइंग स्टोर्ड, लैक ऑफ लव है, सेल्फिश लव है, फिर हम प्रेम को हम आदर ना करते हुए भी धोखा देंगे किसी को, वो भी हमको इफेक्ट होती है, तो कहाँ जाती है हमारी लंग्स में पूरा इफेक्ट होती है। तो इस लंग्स को, हमारी ऑर्गन्स को पूरा जब हम इसमें स्टोर रहे तो पहले हम इसको खाली करना है। वी हैव टू रिलीज ऑल दिस एंड एनर्जाइज अवर बॉडी। तो जब हम इस पर ऐसा हम पूरा इस स्टोर्ड इमोशंस को रिलीज करेंगे और इस न्यू एनर्जी से हम अपने आप को बैलेंस करेंगे, तो हम एक न्यू ऑर्गन्स को क्रिएट करने की शक्ति रहती है। क्योंकि अगर हम भीतर से ये पूरा ये सब है, कुछ ज्ञान अभी मिल गया फिर मैं बोलना शुरू करी तो कुछ भी हम किसी को दे नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। अनलेस एंड अंटिल यू हैव क्लियर एंड हील्ड योर सेल्फ, यू आर एंकरिंग दैट प्योर एनर्जी इन साइड यू। काइंडनेस की बात कहती हूँ, मेरी भीतर वो जो भी मैंने सेल्फिश से काम किया है, उस बातों का मेमोरीज को मैं पूरा रिलीज नहीं किया, हील नहीं किया, और अपने आप को इस काइंडनेस ने ना भर लिया, काइंडनेस का मैं ट्रांसमिट नहीं कर पाती हूँ, तो नथिंग आई कैन डू। बस जैसे कि पत्थर के ऊपर हम सीड्स डाले जैसा ही होती है हमारी सारी सेशन, सो जो भी हो समय वेस्ट है पूरा। बट इफ यू आर टोटली प्योर हील्ड योर सेल्फ, हम अपने लिए काम आएंगे और भरपूर उभरता हुआ ऊर्जा से हम इस विश्व कल्याण के लिए भी हम काम कर सकते हैं। तो आज में उस ऑर्गन्स, उस एलिमेंट्स कौन से कलर्स हैं, उसको हम कैसे अपने आप को हील करेंगे मैं बताऊंगी फ्रेंड्स। मैं कभी भी ये हीलिंग क्या है, बाहर की टूल से मैं कभी हील की बात नहीं करूंगी, क्रिस्टल्स वो भी है बट दोज आर ऑल्सो डिपेंडेंट। मैं वही अपने ही भीतर से टूल्स को हम एंकर करना है, एनर्जी इज अ टूल, और एनर्जी को एंकर करते हुए हम चैतन्य पदार्थ हैं, उस चैतन्य से हमको जुड़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं नीता जी रागिनी को भी थोड़ा आपको होस्ट कीजिए ना, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन पिक्चर।
एक और है दूसरे से लैपटॉप से जुड़े हैं। हाँ रागिनी, ठीक है, मैं देखती तो फ्रेंड्स क्या है, अगर हम अपने आप को हील करना है तो एक फर्स्ट एक लाव की बात कहते हैं, कुछ भी हो तो एक फर्स्ट स्टेप होती है जो हम सब कर सकते हैं। लव बोले तो सडनली मेरे पास कोई और नहीं है, मैं कैसे प्यार करूं ऐसा आती है, तो अपने ही पास एक टूल है जो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो है स्माइल। देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम स्माइल करेंगे, यस, तो जब स्माइल कर रहे हैं तो क्या हो रही है, पहले हमारी आंख चमक रही, ओके, देन ये पूरा नर्व्स जो ऐसा स्ट्रेन्ड था वो रिलीज हो रही है, और ये पूरा फेशियल एक्सप्रेशंस पड़ गए हैं, और यहाँ भी चेंजेस आ रहे हैं हार्ट सेंटर में, और ऐसे ही हम स्माइल कर रहे हैं तो हार्ट में पूरा बॉडी में हम उस चेंज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, थोड़ा दांतों को भी, ग्लिसनिंग टीथ को अच्छी तरह से खुलकर हम स्माइल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नीचे से लेकर हमारी स्पाइन, हमारी मूलाधार चक्र से एक फीलिंग, एक एनर्जी आ रही है व्हेन यू आर स्माइलिंग, तो इसी का एक है जो कॉस्मिक इनर स्माइल का एक ताओइज्म में एक है, उन लोगों का, उनसे मैं एक विजडम आपके साथ में शेयर करी फ्रेंड्स। तो जब इस स्माइल को हम हमेशा अपनी स्माइल फेस को हम स्माइलिंग फेस में हमको लेके रखना है, बिकॉज ब्रेन का क्या है, ये आर्टिफिशियल है, नहीं जानते हैं, अभी ये बाहर चीजों से भी कहाँ परमानेंट मिली है, आर्टिफिशियली मिली है, तो आर्टिफिशियली सही, झूठा ही सही, ठीक है, हम स्माइल करना शुरू करेंगे, करते 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 ब्रेन क्या कर, अरे स्माइल करी बोलकर वो स्माइलिंग का हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज करेगी, वो अपने आप भीतर हीलिंग हो जाएगा सारे ऑर्गन्स। तो ये टेक्निक हमको अपनाना है, अपना कर हमेशा स्माइल को रखना है, तो ये बाहरी तरफ से हो रही है, और भी इंटेंस होकर हम अपना इनर ऑर्गन्स के ऊपर भी इस इनर स्माइल को अगर हम छोड़ेंगे तो किस तरह से हमारे भीतर हीलिंग होती है, मैं इसको एक्सपेरिमेंट करी हूँ फ्रेंड्स, इतना बदलाव आई है, बस एक दिन में बैठ के मैं करी हूँ तो ही आई कुड एक्सपीरियंस इट, यस दिस इज द अल्टीमेट थिंग। तो जब भी मैं छत्तीसगढ़ अपने टीम में आती हूँ तो कुछ नया मुझे देने के लिए मन करती है, जैसा एक हमारे बड़े लोग आते हैं तो दिल ब्रिंग अस लॉट ऑफ स्वीट्स एंड ऑल दैट, ऐसा मुझे लगती है तो कुछ तो देना है, तो तब मुझे ये मिली है तो यस आई विल शेयर दिस विद देम बोलकर मैं आई हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी हार्ट है, तो हमें अच्छी तरह से इस बात को याद रखना होगा फ्रेंड्स, हमें हार्ट से ऑपरेट करना होगा, माइंड के केम से बाहर आना होगा। तो हृदय की क्वालिटीज का आपने कई बार सुना होगा, इसका मैं शॉर्ट में बता दूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम्बलनेस, विनय पूर्वक विनम्रता, विश्वास, काइंडनेस, ओपननेस रहना है। देखिए हमने बदल लिया, हमने थोड़ा प्योर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग जो सही नहीं है वो करेक्ट नहीं है, हम ग्रेट हो गए नहीं, ओके, उन लोगों का भी समय आएगा तो बदलेगा, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग, हर चीज को मानकर साथ में जाने का ओपननेस रहना चाहिए, जेंटलनेस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अक्सर हम कितना एग्रवेट होकर, एरोगेंट होकर, जो हम बहुत ही रूड रहते हैं, उस रूडनेस को हम इस जेंटलनेस में हमको रिप्लेस करना है, फॉरगिवनेस, हर एक बात को हमको फॉरगिव करते रहना है फ्रेंड्स। मैं पीडीएफ में बाद में नीताजी को मैं भेज दूंगी, तो हम सब शेयर करेंगे, आप पूरा इसमें ध्यान दीजिए, ओके। फिर रेस्पेक्ट, अपने आप को रेस्पेक्ट, हमारे साथ रहने वाले हर किसी को रेस्पेक्ट करना है, स्ट्रेंथ, लव, ऑलरेडी लव का बहुत डोसेस हो गए हैं, आज हम इस लव से यूनिवर्स से लव में ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो लव अभी छोटा चीज हो गए हम, अगर इसको भी हम डाल रहे हैं, करेज, करेज है तो ही हम कुछ भी कर पाते हैं फ्रेंड्स, तो हृदय से ही हमको करेज मिलेगी, जॉय, फेयरनेस, सबको हम एक ही जैसा देखने का, ये जो इक्वालिटी इक्वानिमिटी रहती है वो फेयरनेस के साथ इक्वल से हम सबको देखने का, हैप्पीनेस,
एंड जेनरोसिटी ऑफ द स्पिरिट, बहुत ही मतलब उदार स्वभाव की आत्मस्थिति में हमको रहना है। अभी इन सारे चीजों को हमको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि हम मिक्सी में डालकर बादाम डालते हैं, काजू डालते हैं, पिस्ता डालते हैं, और पूरा डालकर, गजूर डालकर, अंजीर डालकर, डर बोलकर मिक्सी डालकर ड्राई फ्रूट जूस हम जैसा पीते हैं, इसको हमको हमारे हृदय में इसको पूरा मिलन करके हमारे हृदय इसको हमको रेडिएट करना है, दिस लव को हमको रेडिएट करना है फ्रेंड्स। तो इसके बाद यहाँ पर मैं और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स हमारी ऑर्गन्स जो होते हैं पूरा एनर्जी इमोशंस को पकड़ के रखते हैं, दे आर होल्डिंग ऑल द इमोशंस। कौन से इमोशंस हमारे भीतर हमने अनकॉन्शियसली लिया है वो सब भीतर वैसा ही है। तो हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर और स्टमक, ये सबसे कनेक्टेड होते हैं हमारी मेन हमारी एनर्जी सिस्टम। तो हार्ट के कनेक्टेड एसोसिएट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, और हार्ट का क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, और हार्ट की क्या होती है फायर एलिमेंट होती है। ओके फर्स्ट आप सुनिए, मैं आपको लास्ट में मेडिटेशन कराऊंगी 5 मिनट। फिर इसका कलर है रेड कलर, और ये सीजन समर को कनेक्ट करती है और एनर्जी हॉट होती है। इसका वर्च्यूज क्या है, काइंडनेस, लव, कंपैशन, जॉय, ऑनर, सिंसियरिटी। नेगेटिव इमोशंस की बात अभी बहुत हो गई, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम जब हार्ट के पास आते हैं तो इस हार्ट को हम एक ब्यूटीफुल रेड रोज के जैसा, और ये ब्यूटीफुल रेड रोज एक फ्लेम्स के जैसा, गोल्डन रेड फ्लेम्स के जैसा, ये पूरा रेड रोज ऐसा वाइब्रेट हो रही है और ये पूरा लव काइंडनेस को पूरा एमिट करते हुए शरीर पूरा इस ऊर्जा से भरे जैसा। ओके देन नेक्स्ट वन इज लंग्स। लंग्स हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन्स को कनेक्टेड रखती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, मेटल एलिमेंट से कनेक्टेड है, और व्हाइट लाइट, ये पूरा कलर्स जो मैं बता रही हूँ हम ऊर्जा के रूप में, क्योंकि ऊर्जा पूरा कलर्स में रहती है, तरह तरह के कलर्स में। तो हम लंग्स को पूरा व्हाइट लाइट से भर देंगे। अभी क्या है, काला पड़ा है और बहुत ही श्रिंक एंड श्रंक होकर है, तो हम व्हाइट लाइट से भर देंगे उसको, और करेज से हम राइटियसनेस से, राइटियसनेस क्या होती है धर्मा से, धर्मा को निभाते रहना, कर्मा स्टोरीज खत्म हो गए हैं। When you start living in the righteousness, what is right? जब हम करते रहेंगे जो भी हमारे लिए सही है वो आती रहेगी फ्रेंड्स। Then next होती है किडनीज। किडनीज हमारी ब्लैडर से कनेक्टेड होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की है, एलिमेंट वाटर है, ओशियन ब्लू कलर, किडनीज को हम ओशियन ब्लू कलर लाइट से हम भर देंगे। ओके जब मैं ध्यान कराती हूँ हम उस ऊर्जा से हम भर देंगे। फिर इसमें जेंटलनेस, काइंडनेस, विजडम और सिक्योर्ड फीलिंग आती है। जब ये किडनी से पूरा नेगेटिव इमोशंस में ऑलरेडी बता दी फ्रेंड्स, फियर, स्ट्रेस, ये सैडनेस, डिप्रेशन, सोरो, ग्रीफ, एरोगेंस, हेट्रेड, ये पूरा नेगेटिव इमोशंस इन ऑर्गन्स में दबा है। ओके तो अभी हम पूरा इस किडनीज को हम इस लाइट से भरकर हम या हीलिंग इट। देन लीवर, लीवर क्या है, गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड है, हमारी नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है। नर्वस सिस्टम सही है तो भी हम हाई एनर्जीज को एंकर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, मेंटल स्टेट बैलेंस में रहते हैं। तो हमारे लीवर किस किस चीजों से वो दब जाती है, एंगर से, रेसेंटमेंट से, रेसिस्टेंस से। देखिए फ्रेंड्स अपने जीवन में कितने चीजों को हमने रेसिस्ट किया है, गुस्सा, क्रोध में आए हैं, कितनी बार अरे बाप रे ऐसा हुआ तो अच्छा रहता, अच्छा ऐसा हो गया, कितने रिजेंटमेंट्स अपने लाइफ में है, वो क्या है, वो चले गए सोचने, क्या पूरा लिवर में दबा के पड़ा है। तो गॉल ब्लैडर भी इफेक्ट होती है। तो लिवर इज कनेक्टेड टू द वुड एलिमेंट और ग्रीन कलर की एनर्जीज, ब्यूटिफुल ग्रीन हीलिंग एनर्जीज पूरा इस लिवर को केयर कर उसको हील करी है, और इट इज फुल ऑफ एक्सेप्टेंस, काइंडनेस, फॉरगिवनेस और सेलिब्रेशन और जेनरसिटी की ऊर्जा से भरे हैं, जैसा हम इसको भर देना है इंटेंशनली, वी हैव टू फिल इट।
देन स्टमक, स्टमक इज द सेकेंड मेमोरी हम कहते हैं, गट मेमोरी कहते हैं। स्टमक में जो जो भी, तो इसके पेट में कितना ही बातें छुपा है बोलते हैं ना, उसका मतलब यही है कि पूरा हम अपने पेट में छुपा के रखे हैं, जो इसीलिए हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर में आ गए हैं। और नेक्स्ट है स्प्लीन एंड पैनक्रियास। स्प्लीन एंड पैनक्रियास स्टमक से कनेक्टेड होकर हमें एनर्जी हम ज्यादा नहीं ले पाते हैं, ध्यान नहीं लग रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब यही है स्प्लीन बहुत ही डिप्लीटेड एनर्जी में है, डैमेज हो गए हैं। तो किसके वजह से? वरी 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 वरी, थिंकिंग थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, हर्ट फीलिंग, अपमान अपमान का जो भी बातें रहती हैं, सबके वजह से हमें पैनक्रियास इफेक्ट होते हैं। और डायबिटिक जो होती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन, ये सब होती है, इंसुलिन लिवर, ये सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं फ्रेंड्स। हम सोच रहे हैं कहीं और, मगर यहाँ ऑर्गन्स में ही ये सब दबकर अपनी पूरा जो भी हमने भीतर लिया है ये ऑर्गन्स में दबकर ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और इसका एलिमेंट है अर्थ, मतलब हम अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे। कलर है येलो कलर, ब्यूटिफुल हल्दी वाला येलो कलर एनर्जीज, और इंडियन समर से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर फेयरनेस, ओपननेस, बैलेंस लाइफ, टोटल एक्सेप्टेंस के साथ अपने भीतर सेंटरिंग करते हुए, केंद्रित होते हुए जब हम रहेंगे, ये ऑर्गन्स पूरा अपने आप फिर नॉर्मल में आ जाएगी फ्रेंड्स। तो अभी तक जो भी हमने अपने आप को दबा के रखा है, इससे हम अभाव होते हुए जब हम आई होप यू आर एबल टू सी फ्रेंड्स, तो ये है वो रेड कलर डॉट्स जो दिख रहे हैं, वो कलर है फ्रेंड्स, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर। हम इस ऑर्गन से हम दबा देंगे, फुल कर देंगे। तो इससे पहले हमको क्या करना है, अगर एक छोटा सा स्माइल से हमारी फेस में इतनी ग्लो आ सकती है, तो आप सोच रहे बाहर ही हो रही फ्रेंड्स, मगर हमारे भीतर ऑर्गन्स भी ये पूरा दबा के रहे। मास्किंग में हमारी फेस को हम हंसा रहे हैं, मगर भीतर पूरा दुखी है। हम इस ऑर्गन्स को भी हम एक पल हम इस स्माइल से भर देंगे फ्रेंड्स। ओके, अभी हमको एक 10 मिनट्स लेंगे, 10 मिनट्स में आपको एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन में कराऊंगी। तो हर कोई ध्यान की अवस्था में बैठ जाए, एक बार इस पिक्चर को देख लीजिए। जब हार्ट के पास आई तो हार्ट में पूरा स्माइल्स, रेड कलर, रोज में जो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमको इस बात का हमको जानकारी होनी होगी फ्रेंड्स की हमारी स्पाइन इज द मेन एनर्जी को एंकर करने वाला स्पाइन होती है। अगर वो सही है तभी ये सारे ऑर्गन्स में हम कुछ नया ला सकते हैं। तो पहले स्पाइन को हमको बैलेंस करना है, जैसे कि घर बनाने के लिए फाउंडेशन मेन होती है। ठीक है, तो अभी मैं जो भी प्रक्रिया आपको सिखा रही हूँ, जब भी चाहे आप बैठ कर सुबह उठ के रात के समय साइलेंस में आप नहाने के बाद बैठकर अगर इस तरह का ये प्रोसेस अपने ऊपर करके आप वही स्थिति में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रोसेस, आपके पास भरपूर ऊर्जा होगा जो अपने लिए और आसपास के लोगों के लिए भी बांटने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज क्लोज योर आईज विद द टोटल डेडिकेशन, कंप्लीट ओपननेस के साथ, बहुत ही आनंद के साथ कि हमको बहुत ही अद्भुत सिद्धि मिल रही है। ये जो ओम भी बुश वाला सिद्धियां सब बेकार है फ्रेंड्स, अगर हम इसको पार करेंगे तभी वो मास्टर कर पाएंगे। पहले अपने भीतर की हीलिंग, आराम से बैठ के एक ब्यूटिफुल लविंग स्माइल, हमारे सामने ब्यूटिफुल व्हाइट लाइट की स्पार्कलिंग एनर्जी आई है, उस स्माइल्स की एनर्जी से भरी है। उस एनर्जी को हम अपने भीतर हार्ट के पास ले जाएंगे, अपने हृदय के पास एक ब्यूटिफुल स्माइल, ओपन जैसा एक नन्ना बच्चा खुल कर स्माइल करते हैं, ऐसा इस स्माइल को हम वहां पर ड्रॉप कर देंगे फ्रेंड्स।
हृदय तैयार हो रही है स्माइल करने के लिए, लंग्स के पास इस वाइट लाइट को भर देंगे, ब्यूटीफुल स्माइल्स को दोनों लंग्स के पास, लिवर में स्माइल टच कीजिए फ्रेंड्स अगर हो सके तो, गॉल ब्लैडर में स्माइल, स्टमक में स्माइल्स, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्माइल्स ही स्माइल्स पूरा भर रहे हैं, पैनक्रियास स्माइल, किडनीज स्माइल कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर, यूटरस, हमारे जेनिटल ऑर्गन्स जो है मेल और फीमेल सारे ऑर्गन्स में स्माइल्स ही स्माइल्स भरे हैं। जिस पल हम स्माइल करने के लिए तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स, पुराने अपने आप नीचे जाकर स्माइल सरफेस करती हैं, तो शुरुआत हम स्माइल से करेंगे, शरीर पूरा स्माइल से भर गए हैं, स्माइल से ही स्माइल, स्माइल से ही स्माइल, सारे कण स्माइल से भरे हैं, हम एक ब्यूटीफुल स्माइलिंग एनर्जीज में फ्लो हो रहे हैं, टांटियां बैलेंस हो रही हैं। अभी अपना ध्यान स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ले जाइए फ्रेंड्स, सर से लेकर हमारी नीचे तक मूलाधार तक टोटल 33 वर्टिब्रे हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ध्यान, इस ब्यूटिफुल व्हाइट लाइट स्माइलिंग एनर्जीज हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड में भर देंगे, नाउ वी आर रेडी फ्रेंड्स, नाउ वी आर रेडी टू हील आवर emotional energies in the organs. अभी दोनों हाथों को हृदय के पास ले जाएं, smiling energies के साथ एक beautiful red rose जैसा हमारी heart है, bud है, और जैसे ही हमने इस touch किया है beautiful loving radiance के साथ वो विकसित हो रही है, रेड कलर की गोल्डन एनर्जी से भरकर रेड एंड गोल्डन एनर्जी फूल खिल रही है, पॉजिटिव इमोशंस लव जॉय हैप्पीनेस, ये रेड कलर की ऊर्जा जैसे हम होली के समय पूरा हम रंगों से भर लेते हैं, ऐसे इस ब्यूटीफुल रेड एंड गोल्डन एनर्जी से भरकर पूरा शरीर में रंगोली खेला जैसा, अभिषेक हुआ जैसा, स्प्रेड हुआ जैसा, द लव जॉय काइंडनेस जेनरोसिटी पीस हैप्पीनेस पूरा शरीर में फ्लो हो रही है, और ये रेड रोज अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट हो रही है, इस ऊर्जा नीचे तक आकर अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट हो गए हैं, जो भी हम रिलीज कर रहे हैं इमोशंस पूरा नेगेटिव वाला अपने आप अर्थ एलिमेंट में अंदर जाकर वो अपने आप बैलेंस कर लेती है फ्रेंड्स, न्यूट्रलाइज कर लेती है मदर एलिमेंट। अभी आपका ध्यान लंग्स के पास, दोनों लंग्स के ऊपर आपका हार्ट, आपकी दोनों हाथों को लगाइए, जैसे अपने टच किया दो व्हाइट रोजेस, जैसे कि टच करते ही उसमें जान आ गए और एक ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग गोल्डन व्हाइट कलर की ऊर्जा से इस व्हाइट कलर की लंग्स की बड विकसित हो रही है, जैसे जैसे लंग्स विकसित हो रहे हैं ये डिप्रेशन लैक ऑफ लव सेल्फिशनेस
सब कुछ अपने आप नीचे ड्रेन होता हुआ मदर अर्थ में जाकर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। दोनों भी लंग्स वाइब्रेंट, दोनों ब्यूटिफुल, टोटली ब्लॉसम्ड वाइट रोजेस, और ये व्हाइट एंड गोल्डन कलर की एनर्जी पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही है। टोटल राइचियसनेस, सिक्योर फीलिंग, कंप्लीट इंक्लूसिवनेस, सबको हम अपने भीतर लेकर साथ साथ लेने का अद्भुत एकता की भावना। वाओ, बहुत ही अद्भुत ऊर्जा में हम बह रहे हैं फ्रेंड्स। आपकी हाथों को लिवर के पास ले जाइए, राइट साइड लंग्स के नीचे होगा लिवर। ग्रीन कलर की हीलिंग एनर्जीज पूरा लिवर में भर गए हैं। एक ब्यूटिफुल ग्रीन कलर की रोज, बट जैसे ही हमने टच किया ऑटोमेटिकली ओपन अप होना शुरू हो गए। एक स्पार्कलिंग एनर्जीज के साथ पूरा लिवर और ब्लैडर हील हो रहे हैं। अभी तक जितना भी गुस्सा था सब लैक ऑफ लव के वजह से, प्रेम को मांगने का ढूंढने का वजह से हुई है। हम खुद प्रेम है, टोटल यूनिवर्स लव इज फ्लोइंग इनसाइड अस। नाउ वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कुछ भी जरूरत नहीं। हम जान गए अपने आप इस सारे क्रोध वाला ऊर्जा एरोगेंस पूरा रिलीज होकर मदर अर्थ में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। काइंडनेस, जेनरोसिटी, शेयरिंग, केयरिंग, लव, टोटल वननेस, ग्रीन कलर की हीलिंग ऊर्जा हमें पूरा शरीर में स्प्रेड होते हुए रेड कलर, व्हाइट कलर की ऊर्जा और एक ग्रीन कलर की ऊर्जा फ्री फ्लो में स्प्रेड हो रही है स्पार्कलिंग एनर्जी से। स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियास की तरफ हम अपना ध्यान देंगे फ्रेंड्स। लेफ्ट लंग के नीचे पैनक्रियास ये सब रहते हैं। दोनों हाथों को वहां पर रखेंगे। ब्यूटिफुल येलो बड्स, रोज बड्स, ये पूरा ऑर्गन्स में जैसे ही हमने टच किया एक स्पार्कलिंग एनर्जीज का वाइब्रेट्स के साथ ये ओपन अप हो रहे हैं। येलो एनर्जी से पूरा ब्लॉसम होकर शरीर पूरा इस येलो एनर्जी से भर रहे हैं। इसलिए मतलब यही है कि हम टोटल ओपन अप हो जा रहे हैं। हम ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं इस यूनिवर्सल प्रोसेस की अपने आप को। टोटल एक्सेप्टेंस टू एवरीथिंग, स्वीकार भाव, विश्वास, प्रेम, एकता। विनय पूर्वक हो जाना, कोई भी बातों को हर्ट और अपमान ना फील करते हुए सब बातों को जैसा है वैसा हम एक सिचुएशन के जैसा ही हम लेके जा रहे हैं। ये पूरा येलो कलर की हल्दी वाला जैसा ऊर्जा पूरा शरीर में अभिषेक जैसा फ्लो हो रही है। शरीर की कण कण में इस ऊर्जा पहुंच रही है क्योंकि सारे सेल्स में भी ये मेमोरीज है। इस न्यू मेमोरी से वाइब्रेट हो रहे हैं। अभी आपका ध्यान किडनीज की ओर ले जाइए फ्रेंड्स। किडनीज, ब्लैडर,
जेनिटल ऑर्गन्स, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सब कुछ ब्लू कलर की, ओशन ब्लू कलर की ऊर्जा से भरा हुआ ऊर्जा यहाँ पर बह रही है। यहाँ पूरा ब्लू कलर की रोज बड्स जैसे इस ऊर्जा टच करी है, ब्लॉसम अप होना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे ये बड्स ओपन अप हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, अपने आप वो लोअर इमोशंस जहाँ पर जो एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, फियर, गुस्सा, एरोगेंस, सब कुछ डिसॉल्व होकर टोटल जेंटलनेस, सौम्य रूप से समता स्थिति में आ रहे हैं। टोटल डीप साइलेंस इज टेकिंग ओवर, जो भी एंग्जाइटी, टेंशन, भागदौड़, सब कुछ सेटल हो गए हैं। इस ब्लू कलर की एनर्जी भी पूरा शरीर में फैलकर गोल्डन रेड एनर्जीज, गोल्डन व्हाइट एनर्जीज, गोल्डन ग्रीन एनर्जीज, गोल्डन येलो एनर्जीज, गोल्डन ब्लू एनर्जीज, पूरा फ्री फ्लो में ऊपर से नीचे पूरा फ्लो हो रही है। हमारे सारे ऑर्गन्स हील हो गए हैं, हमारी बायो एनर्जी पूरी तरह से वाइब्रेंट, कंपैशनेट एनर्जीज में परिवर्तन हो गए फ्रेंड्स, क्योंकि बियॉन्ड द लव है कंपैशन। ब्यूटिफुल फ्यूजन ऑफ वाइब्रेशन को आप एक्सपीरियंस कीजिए। Thank you, thank you, thank you. Thank you to all the beautiful organs. हम अपने आप को इस lower state से बस इस beautiful smiling energies के साथ एक ही क्लिक में अपने आप को परिवर्तन ला लिया है friends. निरंतर smiles को अपनी organs में भरकर किसी स्थिति में हम रहेंगे तो हम भरपूर ऊर्जा से भरकर overflow होते हुए हम निरंतर इस लव रेडियंस कंपैशन को स्प्रेड करते रहेंगे। विल बी हीलिंग द वर्ल्ड जस्ट बाय सिटिंग साइलेंटली। लास्ट 1 मिनट। इस अद्भुत दिव्य प्रेम में अपने आप को हमने परिवर्तन कर लिया फ्रेंड्स, यूनिवर्सल लव में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। आपके भीतर इस ब्यूटिफुल डिवाइन रेडियंस, डिवाइन मेलोडी को सुनिए। पूरे एनर्जीज को स्टेबल होने दीजिए, अपने आप को लव कीजिए, किस कीजिए, और भी स्माइल्स को भेजते हुए पूरी धरती को स्माइल्स भेज देंगे फ्रेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड्स। अर्थ पूरा स्माइलिंग एनर्जी से भर गए हैं। स्माइलिंग यानी फ्रेंडलीनेस, अंडरस्टैंडिंग, एक नन्ना बच्चा का जैसे प्योर इनोसेंस, टोटल इंक्लूसिवनेस, सबको अपने भीतर एकता की भावना। 10 सेकेंड्स। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए फ्रेंड्स। थ्री टू वन जीरो। स्लोली, प्लेजेंटली, जॉयफुली ओपन योर आईज विद लॉट ऑफ स्माइल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू डियर नीता जी फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी फॉर दिस loving invitation. Woman is a celebration friends, woman is a power, woman jo spiritual energy hai sari srushti ko create karti hai, to hum we are the creators, let us own this power and be a creators friends. Thank you, thank you, thank you, thank you.